खंडवा पूरे देश में लॉकडाउन है, ऐसे में कुछ स्थानों पर तो लोग रोजमर्रा की चीजें भी खरीद नहीं पा रहे हैं। लेकिन खंडवा की विधानसभाओं में शराब की दुकानें खुली हुए हैं। इन दुकानों को लेकर पंधाना विधानसभा से विधायक राम दंगोरे ने सवाल खड़ा किया है। विधायक राम दंगोरे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट कर इसकी शिकायत करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के चलते जब देश में भारतीय रेल जैसा संस्थान बंद हो सकता है तो फिर शराब दुकानें क्यों खुली हैं। विधायक ने बताया कि उनकी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से हुई है। संभवतः शराब दुकानें बंद करने के आदेश जल्द ही निकल सकते हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में हर कोई अपने अपने घरों में बैठा है। पीएम मोदी की अपील के बाद अधिकतर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ लोग जरूरी सामान लेने ही बाहर आ रहे हैं। आई वहीं बिना जरूरत के बाहर घूमने वालों पर पुलिस कार्यवाही भी कर रही है। लेकिन पंधाना विधानसभा में शराब दुकानों को अब तक बंद नहीं किया गया है। पंधाना विधानसभा से विधायक राम दंगोरे ने इसकी शिकायत ट्विटर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को शिकायत की है। विधायक जिला प्रशासन पर आरोप लगते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री कोरोना से लड़ने के लिए करोड़ों रुपए का फंड दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से राजस्व के चक्कर में जिला प्रशासन शराब दुकानें बंद नहीं करवा रहा। उन्होंने कहा कई युद्ध के समय भी बंद नहीं होने वाली रेल सेवा कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते रोक दी गई, लेकिन यहाँ शराब दुकानों भीड़ लग रही है लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। मानिए मुख्यमंत्री जी आपसे मदद चाहते हैं। होली रंग पंचमी पर भी शराब दुकानों को बंद नहीं किया गया। पंधाना विधायक राम दंगोरे ने कहा कि उनकी बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही शराब दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन पूरे देश को किया है। किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि संचालित नहीं होगी और देश की जनता को अपने घर में रहना है और कोरोना वायरस से अपने आप को और देश की जनता को बचाना है। लेकिन देखने में यह आया कि मेरी विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जिलों में भी शराब की दुकानें जिनको जल्दी बंद होना चाहिए थी वो दो दो ढाई ढाई बजे रात तक खुली है, और जहाँ बैठने की व्यवस्था होती वहाँ डेढ़ डेढ़ सौ दो दो सौ लोगों को वो लोग बैठाल करके शराब पिला रहे हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न ये है कलेक्टर मैडम से कि अगर रोड पे एक आदमी सब्जी लेने के लिए जाता है तो उसको सपाटे पड़ते हैं, उसको लाल कर देते हैं, ये शराब की दुकान और मायखाने आपको नहीं दिख रहे? कोई व्यक्ति गुजरात से 200, 300, 400, 500 किलोमीटर पैदल चल करके आता है, रात को पुलिस को मिल जाता है तो उसको खाना खिलाने की बजाय उसको सपाटे मार रहे हो? तो जो शराब की दुकानें खुली रख रहे हैं वो आपको क्यों नहीं दिख रहे? वहाँ बैठे 150-200 लोग जो इकट्ठे शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, ये आपको क्यों नहीं दिख रहे? क्या इनसे कोरोना का संक्रमण नहीं होगा? 1,70,000 करोड़ रुपए का बजट मोदी जी ने पास किया सिर्फ कोरोना को मिटाने के लिए। क्या खंडवा जिले की शराब की दुकानों से इससे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो जाएगा? इससे ज़्यादा तो राजस्व प्राप्त नहीं होगा। या इनको खोल देने से बीमारी ख़त्म हो जाएगी? दुकानों को खोल देने से तो हर घर बंटवा दीजिए, फिर बीमारी ख़त्म कर लेते हैं। शराब और स्मोकिंग से कोरोना वायरस और तेज़ी से फैलता है और बॉडी को डैमेज करता है। भारतीय रेल जैसा उपक्रम युद्ध काल में भी कभी बंद नहीं होता है, लेकिन कोरोना से देश को बचाने के लिए देश की आज़ादी के पहले से लेकर के तो देश की आज़ादी के बाद तक आज पहली बार भारतीय रेलवे बंद हुआ है। आपको इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि जब भारतीय रेल जैसा इतना बड़ा उपक्रम बंद हो गया है, सरकारें हिल गई है, विश्व हिल गया है, पौने 200 लाख करोड़ रुपए का बजट पास हो रहा है और आप छोटे मोटे राजस्व के चक्कर में देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? ये चीज़ें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप देश के अच्छे नागरिक का परिचय दीजिए,
वेतन के लिए काम कीजिए लेकिन वतन के लिए भी काम कीजिए, इन शराब की दुकानों को बंद करवाइए, तो आपके और हमारे पढ़े लिखे होने का इस देश को खूब फायदा मिलेगा। डिग्री भर ले लेना समझदारी नहीं होती, डिग्री का उपयोग हम देश और समाज के लिए कितना करते हैं ये चीज़ें मायने रखती है। इतना ही कहूँगा कि शराब की दुकानें बंद होना चाहिए। आज मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, संभवतः शाम तक पूरे राज्य के लिए आदेश निकल जाना चाहिए शराब की दुकानों को बंद होने को लेकर।